तोते के बच्चे को लगा कि माताजी हुंकारे नहीं भर रही, कथा बंद हो जाएगी ऐसे तो। तोते की एक आदत होती है, वो जो सुनता है उसे रट लेता है, उसे कहते रट्टू तोता। अब उसने भी रट लिया, हम स्वामी हम स्वामी हम स्वामी। अब तो ये तोते का बच्चा भी बोलने लगा माताजी के स्थान पर, हम स्वामी हम स्वामी। अब तो शिव शंकर भगवान इतने प्रेम में मगन, उनको पता नहीं लग रहा कि ये तोते की आवाज की देवी जी की आवाज। कथा पूरी हो गई और भगवान ने अपनी आंखें खोली, देखा तो कि देवी जी बगल में सो रही है आराम से। कथा में नींद भी बड़ी अच्छी आती है, तीन तरह के लोग आते हैं कथा में। एक तो आते ही जिनका ये शुरू हो जाता जोर से उबासी ले, निंदिया रानी प्यारी प्यारी जिनको लगती है, ऐसे होते सोता जो आई कथा में सोने के लिए, क्यों लस्सी दही के तो ठाठ है गर्मी का मौसम, खूब बढ़िया से खा पी के आएंगे, डेढ़ किलो लस्सी पी के आएंगे और सारी की सारी नींद की कसर कथा में निकालेंगे। फिर बोलो गोविंद भगवान जय। एक बार एक ऐसे ही आदमी था सेठ जी, अब सेठ का मतलब होता है जो व्यापार करता हो। सेठ जी कोई बनिया जी मत लगा लेना कभी हमारी बात का बुरा मान जाओ। सेठ जी ऐसे खूब मोटे तगड़े और उनकी घरवाली बड़ी परम भागवत खूब कथा सुनती। एक दिन इसने भी कहा कि पतिदेव आज तो आप कथा सुनने चले जाओ। ये बोला हम, अरे तुम रोज जाती हो ना, नहीं नहीं आज आपको जाना पड़ेगा। अरे रहने दो कोई, हमें तो दोपहरी को नींद बहुत आती। नहीं 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 आज आप कथा में जाओगे नहीं तो आपको खाना नहीं मिलेगा शाम को। तो अच्छा अब तो दे दो फिर चले जाएंगे। अब बढ़िया सी पकोड़े डाल के बनाई कड़ी, बाजरे की रोटी लस्सी, सेठ जी ने तो खूब ठूस ठूस के खाई, खूब भर लिया। अब कोई तो खाए पेट भर, लाला जी खाए कंठ भर, यहां तक भर के अब इतना खा लिया। घर वाली आंखें दिखाई, अब जाओ कथा में। सो ये कथा में आ गए। अब नगर भर का सबसे बड़ा सेठ, खूब पैसे वाला अमीर आदमी, कमेटी वालों ने देखा, सो कमेटी वाले दौड़ पड़े, आइए 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 सेठ जी आइए आइए। अब जैसे कुर्सियां डरी है वैसे ही वहां पे सोफे डले हुए थे, तो उसको बैठाया कि बैठिए बैठिए लाला जी बैठिए, लाला जी तो बैठ गए। अब इतना बढ़िया सोफा, आराम से बैठे तो बैठते ही नींद ने अपना प्रभाव करना शुरू कर दिया। एक तो घर से खा के आए हैं और गर्मी के दिन तो दोपहरी को नींद बड़ी बढ़िया लगे। सो कथा तो शुरू भई, लाला जी तो सो गए और जो चालू ही इनकी खर रखूं सोए अलग और खर रखूं भी करें। अब इसे अंग्रेजी के विद्वानों ने कहा साउंड स्लीप, जो सोते सोते भी आवाज करे। अब सेठ जी तो ऐसे आवाज कर रहे सो रहे, कमेटी वाले देख के बड़े परेशान, लेकिन कथा पूरी हो गई। अब कथा पूरी होने के बाद पंडाल में ना कथावाचक महाराज, ना कोई गाने बजाने वाले, ना कोई कथा सुनने वाले, ना कमेटी वाले, यही बैठा बगल में एक दुबला पतला सा आदमी बैठा और इसने कह दिया कि भैया तुम क्या कर रहे हो यहाँ। तो ये बोला कि महाराज जी आप जिसके ऊपर बैठे हो ना उसके नीचे दरी हमारी है, टेंट वाले हैं, हम दरी लेके जाएंगे इसलिए बैठे। तो कथा में आखिर तक हर कोई नहीं बैठता, अपने मतलब से ही कोई रुके तो रुके, वरना भगवान के लिए रुकने वाले बहुत कम है। कथा में सबसे पहले आए हनुमान जी और सबसे बाद में भी हनुमान जी जाते हैं। अगर किसी को दर्शन चाहिए तो कथा में सबसे पहले आना शुरू करो और सबसे बाद में जाना शुरू करो। बोलो ना श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब तो जैसे ही इससे बात हुई, सब आदमी बोला सेठ जी अब आप भी जाइए, यहाँ क्या करे जाइए। सेठ जी बोले जा रहे हैं जा रहे हैं। अब तो सेठ जी घर आ गए, घर वाली पूछने लगी क्या क्या सुना कथा में। सो सेठ जी बोले तीन ही तो शब्द थे, आइए बैठिए और जाइए। अब
घर वाली सोचे भला करे भगवान, ये सुन के आए हो कथा में, और कुछ नहीं सुना, नहीं तीन ही शब्द थे बस। तो घर वाली थी बड़ी भागवत, उसने भी सोचा कि भगवान की लीला है कोई, सो ये बोली इसी को मंत्र की तरह जप लेना। अब सेठ जी तो सारा दिन आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, अब क्योंकि चार घंटे कथा में सो के आए हैं, सो आज इनको घर पे नींद नहीं आ रही, घरवाली तो सो गई आराम से, और ये बैठे ऐसे हाथ करके, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। सो उसी रात को घर में घुसा चोर, और जो ही चोर अंदर घुसा सेठ जी बोल पड़े आइए। अब तो चोर को डर हो गया, इसने देख लिया मुझको। अब जब चोर जाने लगा तो ये बोला बैठिए। अब चोर बेचारा सोचने लगा कि ये मेरे चेहरे को देखकर पहचान गए हैं कि मैं कौन हूं, और ये सबको अब बता देंगे, इसीलिए मैं सेठ जी से माफी मांग लेता हूं। सो सेठ जी के पास गया, जितना कुछ चोरी करके लाया था सेठ जी के सामने धर दिया, और हाथ जोड़ के सेठ जी किसी को मत बताना, किसी को मेरे बारे में भी मत कहना, ना पुलिस वालों को। अब तो सेठ जी बोले जाइए, सेठ जी की बात सुन के ये तो चला गया। थोड़ी देर बाद सेठ जी के पैर पे मच्छर ने काट लिया, हाथ ऐसे मारने लगे मच्छर को उड़ाने के लिए, तो उसका हाथ लग गया पोटली पे जो सामने धरी। इसने देखा कुछ है, खोल कर देखा सोना चांदी कुछ पैसे, घरवाली को जगाया, अरे सुनती हो मंत्र सिद्ध हो गया, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, प्रसाद दिया है। घरवाली भी देखने लगी कि सही कथा से गलत मंत्र उठा लाए तो भी इतना फल मिला, और पतिदेव अगर रोज कथा में जाओगे तो कभी न कभी वो भगवान भी मिल जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब तो सेठ जी को भी रोज रोज कथा में जाने की आदत लग गई, तो ऐसे ही हमारी आदत भी बने, कथा में सब जल्दी पहुंचे, और यहाँ पर गौ माता की खूब सेवा करें। और एक तो छोटा सा निवेदन है कमेटी के सदस्य या सरपंच साहब जी, एक व्यवस्था करें कि बीच में स्टेज पे कोई ना आए। देखो शुरुआत में हमने कहा था, आप तो कह रहे हो होली पे स्टेज पे कोई नहीं आएगा, बात हुई थी, ये तो पहले ही ऐसे पूरा आवागमन लगा है, होली मनाएंगे तो न जाने ही क्या करके छोड़ेंगे, और ये तो मानो मुंह के आगे लगा के कपड़ा डाकू मंगल सिंह बन के बैठे हैं कि हमें तो कोई पहचानेगा नहीं, खूब लगाओ धड़ाधड़ रंग, चाहे किसी की आंख में लगे चाहे किसी के कान भर जाए। तो एक आपसे निवेदन है कि आप यहाँ किसी की व्यवस्था कर दो, हमको बीच में बार बार कहना ना पड़े, कोई भी स्टेज पे ना ये हाथ जोड़ के विनती करते, आप कहो कि भाई हमारे पैर छू के कह दो तो भी कह सकते हैं, लेकिन बीच में व्यवस्था मत बिगाड़ो। और कल रंग नहीं लाएगा कोई भी, कल फूलों से होली खेलेंगे, क्योंकि रंग जो उड़ता है ना सांस के साथ अंदर चला जाएगा, उससे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कईयों को सांस की दिक्कत भी हो सकती है, कई बूढ़े बुजुर्ग भी होते हैं जिनको रंगों से दिक्कत है। कल फूलों की होली खेलेंगे, ऐसे नहीं खोल खेलनी होली कि पक्का रंग घोल के लाओ और डाल दो किसी के ऊपर, सभ्य तरीके से बढ़िया व्यवहारिक तरीके से। और कईयों को रंग से एलर्जी भी होती है, तो इस करके ध्यान रखें। बोलो ना गोविंद भगवान की जय। अब तो तोते का बच्चा कथा सुनकर तो बड़ा आनंदित हुआ, शिव शंकर भगवान देख रहे हैं कि माता जी सोई पड़ी है, इन्होंने कहा देवी कब सोई, सो देवी जी कहती भगवान जब आप वो कथा सुना रहे थे ना मैं तब सो गई थी, तो इतनी देर से हुंकारे कौन भर रहा है, कौन हुम स्वामी कर रहा है, ऊपर देखा सो तोते का बच्चा, सो इनको बड़ा क्रोध जगा, और तोते के बच्चे को मारने के लिए दौड़े, और ये तोते का बच्चा
अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा, हर लोक में जाता, लेकिन भगवान पीछा नहीं छोड़ रहे। धरती पर आया, श्री वेदव्यास जी महाराज जी की धर्म पत्नी अपनी कुटिया से बाहर निकली थी ब्रह्म मुहूर्त के समय, और देखो भगवान भी बताना चाहते हैं कि संसार में यदि कोई शुभ कर्म होता है तो उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म मुहूर्त के समय वेदव्यास जी की धर्म पत्नी बाहर निकली कुटिया से, जमाई लेने लगी तो ये तोते का बच्चा सूक्ष्म रूप धारण करके माता के मुख से उदर में प्रवेश कर गया, माता के गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शिव शंकर आए और कहने लगे, वेदव्यास जी एक चोर यहां पर आया है, उसने चोरी से मेरी कथा सुनी है। भगवान, कौन सी कथा सुनी है? अमर कथा उसने सुन ली है। तो भगवान आप क्या करोगे उसके साथ? शंकर भगवान बोले, मैं उसे प्राण दंड दूंगा, उसने चोरी से मेरी कथा सुनी। अब तो वेदव्यास जी कहने लगे, भगवान आप उसको मार सकते हो क्योंकि आप काल के भी काल हो, लेकिन अगर आपने उसे मार दिया तो आपकी कथा झूठी हो जाएगी। संसार भर में प्रसिद्ध है, अमर कथा सुनने वाला अमर हो जाता है, लेकिन अगर ये तोते का बालक मर गया तो आपके भगवान की कथा झूठ हो जाएगी, इसी कारण से इसे क्षमा दान दे दो। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन कथा का प्रभाव देखो, जिसने जन्म से पहले भगवान की कथा सुनी है वो अपनी माता के उदर में बैठकर भगवान के नाम का जप कर रहा है। 12 वर्ष तक समाधि उस तोते के बालक ने अपनी माता के उदर में दी। समाधि के कारण भगवान का आसन डोलने लगा। श्रीमन नारायण भगवान देवऋषि जी को भेजते हैं कि जाओ देखो ये कौन है जो तपस्या कर रहा है। देवऋषि जी ने कहा कि बच्चे बाहर आ जाओ, अपनी माता को कष्ट मत दो। लेकिन बालक कहता है कि संसार में जो आता है उसको ये माया घेर लेती है और मैं माया में नहीं फंसना चाहता। देवऋषि जी ने बड़ा समझाया, नहीं माने। अब तो श्रीमन नारायण भगवान स्वयं आ गए। बालक से बोले, बेटा तुम जन्म लो। लेकिन बालक कहता, नहीं 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 भगवान, संसार में आते ही आपकी माया घेर लेती है। अरे माया तो घेरेगी ही, क्योंकि ये संसार है, संसार में जो जन्म लेता है माया तो उसे घेरती ही है। अगर घेरती है तो भगवान मैं अंदर ही ठीक हूं, कम से कम आपकी माया के प्रभाव में तो नहीं हूं। अब तो भगवान भी मजबूर हो गए और कहने लगे, तो क्या चाहते हो? बालक बोला, माया को रोक दो, मैं प्रकट हो जाऊंगा। भगवान ने अपनी माया को रोका और संतों में सबसे परमहंस परम वैतराग श्री सुखदेव मुनि जी महाराज का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री सुखदेव मुनि जी महाराज की जय। और घर का त्याग करके चल पड़े, जन्म लेते ही यम प्रवर्जन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यहाँ पर वर्णन किया जाता है कि अपने ही घर परिवार को छोड़कर श्री सुखदेव मुनि जी महाराज जंगल की ओर चल पड़े। और सबको यही सीख देते हैं कि भगवान की माया तो जादूगरनी है, इससे बच के रहना। सारे जग को रही नचाए हरी माया जादूगरनी, हरी माया जादूगरनी, हरी माया जादूगरनी, हरी माया
जादू करनी, जादू करनी।
सरकार की जय हो। और पीछे वाले कुछ एक ऐसे बैठे हैं जैसे हम जय ना ही बोले तो ठीक है। बोलो ना गोविंद भगवान की जय हो। पीछे वाले छह जन रह गए, गिनती भी कर लेते हम इतनी देर में। सरपंच साहब देख लो, आप इतनी जल्दी वोट की गिनती ना कर पाओ, इतनी जल्दी हम ये गिन ले कि किस किसी ने नहीं बोली। बोलो ना गोविंद भगवान की जय हो। ये इस पोज में शामिल होंगे भी नहीं लग रहा, सारे बोला करो, क्योंकि जब हम अपने हाथ दोनों उठा के भगवान को दिखाते हैं ना, भगवान की भी नजर पड़ती है कि इसकी किस्मत बदली जानी चाहिए। अब जो बदलना ही नहीं चाहते उसका तो करे ही क्या। अब ऐसा ही एक आदमी था, उसकी दांत में दर्द, डॉक्टर साहब के पास चला गया और डॉक्टर साहब से बोला कि सर मेरा यह दांत बड़ा दर्द कर रहा है, इसको निकालो। तो डॉक्टर साहब बोले कि निकाल तो देंगे लेकिन सुन्न करने की व्यवस्था नहीं है। अब डॉक्टर साहब के मन में विचार उठा कि क्यों ना आज गलत चीज का प्रयोग सही काम के लिए कर ले। एक तो चाहिए कि व्यवस्था महाराज जी आपने बिल्कुल ही सिर पे करवा दी। श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलो आना न मानना आगे आपकी मर्जी, ये आखिरी टोकना था, इसके बाद चाहे कोई कुछ करे हमको मतलब नहीं है। अब बुरी वाली बात भी ना बुलवाया करो, क्योंकि कथा के बीच में कोई 20 बार व्यवधान पड़ गया आज, क्योंकि हमें ही डिस्टरबेंस हो रही है। आप सोच के देखो कि बोलने वाले का ही ध्यान नहीं लगने दे रहे, क्या कथा सुनाए किसी को। फिर बाद में कहते भी नजर आएंगे भाई कथा ठीक थी, इतनी बढ़िया नहीं थी, ये आखिरी टोकना था, इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए हम कुछ नहीं कहते किसी को। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ तो एक ऐसा ढीठ आदमी था, उसके दांत में बड़ा दर्द, तो डॉक्टर साहब के पास चला गया, कहता महाराज मेरा दांत बड़ा दर्द करता। डॉक्टर जी बोले निकालना पड़ेगा लेकिन सुन्न करने की व्यवस्था नहीं है। सोचने लगे गलत चीज का प्रयोग सही काम के लिए कर ले तो ठीक। पूछने लगे कुछ पीते हो तो, सो बोला कभी कभार पी लेते हैं। सो भर दिया गिलास उसके लिए पियो अब। सो उसने पिया, बोले कुछ हिम्मत आई निकलवा लोगे ना। थोड़ी थोड़ी आई, क्योंकि हर एक की परिस्थिति ऐसी थोड़ी थोड़ी आई, तो एक और दे इसको, एक और पी लिया। बोले अब हिम्मत आई दांत निकाले। सो कहने लगा कि अब किसके बाप में हिम्मत की मेरे दांत को हाथ लगा दे, अब निकाल लो। तो कुछ लोग तो ऐसे जिद्दी भी होते, अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते। सो ध्यान रखो जिद करने से बात नहीं बनने वाली, यहां बैठना है तो केवल तन से नहीं मन से भी बैठो। तन यहां बैठा है, मन घर घूम रहा है, मन बार बार कुछ सोचे चले जा रहा तो बात बनती नहीं है। बोलो ना गोविंद भगवान की जय हो। अब शुक बालक तो वहां से चला गया और संसार भर में जिनका नाम प्रसिद्ध हुआ श्री सुखदेव मुनि जी महाराज। बोलो ना श्री सुखदेव मुनि जी महाराज की जय हो। अब तो नैमिषारण्य के उस पावन तीर्थ के अंदर 88,000 ऋषि कथा सुन रही। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषियों, एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी धरती का भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठी हुई हैं यमुना जी के तट पर। बीच में एक युवती बैठकर रो रही है और अनेक स्त्रियां उसकी सेवा कर रही, कोई पंखा जल रही कोई जल लिए खड़ी है। और उस युवा स्त्री के पास दो बूढ़े आदमी पड़े हैं बेहोश अवस्था में। अब ये देखकर देवऋषि जी के मन में विचार आया कि जाकर पूछे क्या बात हुई, क्यों रो रही हो, लेकिन इतनी स्त्रियों के बीच में कैसे जाए, वापस मुड़कर चल पड़े। तो वह युवा स्त्री वो युवती दौड़कर आई और देवऋषि जी से हाथ जोड़कर बोली महाराज मत जाइए,
मैं बड़ी कष्ट में हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ, कुछ कृपा करो, कुछ दया करो। देवऋषि जी बोले कि देवी आप कौन हो? सो ये कहती है कि मेरा नाम है भक्ति महारानी और ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। द्रविड़ में मेरी उत्पत्ति हुई और जब मैं गुजरात आई तो मुझे भी वृद्धावस्था ने घेर लिया, मेरे बालक भी बूढ़े हो गए। यही जानकर मैं वृंदावन आई कि वृंदावन में भगवान गोविंद का प्रेम है और मैं वृंदावन चली आई। यहां आकर मुझे तो युवावस्था मिल गई लेकिन मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े के बूढ़े रहे, क्योंकि वृंदावन के अंदर भक्ति है लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता। इसलिए मेरे ऊपर दया करो कि मेरे बेटों का भी कल्याण हो जाए। अब माता युवा रहे, बेटे बूढ़े रहे, समाज क्या कहेगा? देवऋषि जी बोले, देवी ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि सर्वमेत तवानघे न विषादस्य तव्याकारे हो हरि शमते करिष्यति। देवी मैं ज्ञान की आंखों से देख रहा हूं, आप तो भगवान को प्रिय हो, चिंता मत करो। श्री राम श्री राधा, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज तो भगवान भी परीक्षा ले रहे हैं, देखते हैं कि किसका ध्यान सही लगता है किसका नहीं। बोलो ना भाव से श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। मैं आपका विषाद आपका दुख दूर करने का जरूर प्रयास करूंगा। अब तो देवऋषि जी चले, सोच रहे हैं क्या किया जाए। और देखो दुख क्या है, यहां पर देवऋषि जी ने तो कह दिया देवी आपका दुख दूर करने का प्रयास करें। अनेक तरह के लोग आते हैं, महाराज जी संतान नहीं है, संतान ना होना दुख नहीं है। अच्छा मकान नहीं है, बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये भी दुख नहीं है। घर में धन संपत्ति की कमी है, दुख ये भी नहीं है। तो दुख क्या है? कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न हुई। हनुमान जी महाराज कहते नाथ दुख तब है जब आपका भजन नहीं होता। तो दुख क्या है? भगवान का भजन नहीं होता। और वृंदावन में बहुत सारे संत ऐसे 18-18 घंटे लगातार भजन करते रहेंगे, उसके बाद भी कोई संत मिल जाए चरणों में गिर कर रोते, महाराज भजन नहीं हो पा रहा, भजन नहीं होता। लेकिन हमारे जैसे लोग कलयुगी लोग एक माला करेंगे, कहेंगे मैं तो रोज सुबह ध्यान करती हूँ, मैं रोज सुबह माला करता हूँ, कथा में 2-3 घंटे का टाइम क्या निकाल दिया, हम रोज कथा सुनने जाते हैं, हमसे बड़ा कोई वक्त नहीं। एक बार मैंने एक माताजी से पूछ लिया, माताजी ध्यान करती हो क्या? महाराज जी सांस सांस के साथ ध्यान करती हूँ, मेरा तो सारा दिन भजन में बीतता है, हमारी जिंदगी निकल गई, हमसे इतना ध्यान नहीं हुआ, हमारा ध्यान नहीं लगता 24 घंटे। वो कहती है हमारा 24 घंटे ध्यान लगता। तो जो कहता 24 घंटे ध्यान लगता सर्वथा झूठ है, मिथ्या है। 24 घंटे ध्यान लगाना साधारण बात नहीं है, परमहंसों की गति है। बड़े बड़े संत महात्मा भी इस मार्ग के बीच में ही है। कोई कोई बिरला उस परमात्मा को पाता है। इसलिए दुख यही है कि नाथ भजन नहीं होता, भजन हो जाए, इतनी कृपा करो कि आपका भजन बन पड़े। इसलिए सब बड़े भाव से बोलो गोविंद भगवान की जय हो और साथ में मिलकर गाना। बाकी बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। हे गिरधारी रे दूर करो दुख मेरा।
और वृंदावन के तो कण कण में माता भक्ति निवास करती है। माता भक्ति वृंदावन पहुंचकर युवा हो गई है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं। क्योंकि वृंदावन का कोई भी जीव, कोई भी भक्त केवल भगवान की प्रेम और भक्ति का ही भूखा है, ना ज्ञान की आवश्यकता ना वैराग्य की। एक बात बताओ, जब कोई भगवान से प्रेम करता है तो क्या ज्ञान मांगता है? ज्ञान उसे स्वतः हो जाता है। अब बताओ कि माता बड़ी के पुत्र बड़ा, माता हमेशा बड़ी होती है और भक्ति महारानी तो मां है, ज्ञान पुत्र है। इसी कारण से कहते हैं कि ज्ञान हो अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान कभी भी भक्ति से प्रेम से बड़ा नहीं हो सकता। भक्ति सदैव बड़ी है, लेकिन जिसके जीवन में भक्ति आ गई उसे ज्ञान मांगने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान तो अपने आप जीवन में आ जाएगा। भगवान की थोड़ी सी कृपा चाहिए और ज्ञान हो जाएगा। बोलो ना गोविंद भगवान की जय। अब तो देवऋषि जी महाराज विचार ही कर रहे थे, इतने में सनकादि ऋषि पहुंचे। सनकादि ऋषि है भगवान के प्रथम अवतार। इनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों के चारों ऋषि कुमार 5 वर्ष की अवस्था के हैं। जब इनका प्रागट्य हुआ, ब्रह्मा जी से इन्होंने वरदान मांगा कि ब्रह्मदेव हम हमेशा 5 वर्ष के बने रहे, क्योंकि 5 वर्ष के बालक में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, हम 5 वर्ष के ही रहे। और तब से ये सदैव भगवान का भजन करते हैं और 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहते। सनकादि ऋषि देवऋषि जी के पास आए, बोले देवऋषि जी हरि का आदास कभी ना हो तो उदास, आज उदास क्यों? सो ये कहने लगे, महाराज क्या बताएं, भक्ति माता बड़ी दुखी है। सारी घटना बताई। सनकादि ऋषि बोले कि देवऋषि जी आप खुद भूल गए कि चतुश्लोकी भागवत हंसावतार लेकर भगवान ने सुनाई थी और वही भागवत वेदव्यास जी ने लिखी है। उसी भागवत के परम ज्ञान के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य का भी उद्धार हो जाएगा। वही कथा उनको सुना। बड़ा सुंदर आयोजन किया गया। अपने यहां तो थोड़े से लोग बैठे हैं, वहां पर अनेक संत महात्मा जो अंतर ध्यान अवस्था में रहते थे, सबके सब संत प्रकट होने लगे। भक्तराज श्री ध्रुव जी महाराज, तुमरुका जी, अनेक अन्य संत भी आकर वहां विराजमान हो गए और बड़े भाव से कथा हुई। कथा का समापन जब हुआ, जब यज्ञ किया गया, तो भगवान का विमान आया और माता भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ उस विमान पर बैठ गई। कथा का इतना सुंदर प्रभाव कि ज्ञान वैराग्य भी युवा हो गए। और जब माता भक्ति जाने लगी तो सब भक्तों ने हाथ जोड़ लिए कि माँ अगर आप चली जाओगी तो हमारा क्या होगा, क्योंकि एक भक्त भक्ति के बिना अधूरा है, आपके जाने से हमारा काम बिगड़ जाएगा। माता भक्ति कहने लगी, चिंता मत करो, जहां जहां भगवान का नाम मन से लिया जाएगा मैं उनके हृदय में, उनके दिल में निवास करूंगी। बोलो ना प्यार से गोविंद भगवान की जय।
अब तो वरदान दे दिया तो सबके सब भक्त बड़े ही प्रसन्न हो गए और सबके सब माता भक्ति की सराहना करने लगे, सब नाचने लगे कि आज हमारे यहाँ पर ठाकुर जी के नाम का रंग बरस रहा है। और देखो भाव की बात है, अमर कथा कौन सी कथा जानते हो, किसे कहते हैं अमर कथा? अमर कथा वही कथा है जो हम सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत का ये परम पावन ज्ञान ही अमर कथा कहलाता है। हमारे ऊपर भी तो रंग बरस रहा है ना, होली का, ठाकुर जी के प्रेम का, गौ माता की कृपा का। इसलिए सब भाव से गाया करो, भाव से ताली बजाया करो। कौन कौन मेरे साथ बोलेगा? इधर वाले तो ठीक है जी, सबसे लंबे हाथ सरपंच जी के खड़े, एक दोनों हाथ खड़े करके बोलो गोविंद भगवान की जय। इसलिए सब भक्त नाचने लगे भाव से, आइए हम भी भाव से गाएं। शम रंग बरस रहे हो आज मुरे आंगन में, पीछे तक बरसाना रंग सभी को दोनों हाथों की सेवा करते हुए। शाम रंग बरस रहे हो आज मुरे आंगन में, शाम रंग बरस रहे हो आज मुरे आंगन में, आज मुरे आंगन में, आज मुरे आंगन में, आज मुरे आंगन में, प्रेम रंग बरस रहे हो आज मुरे आंगन में, प्रेम रंग बरस रहे हो आज मुरे आंगन में। बोलो गोविंद भगवान की।
गुरु गोविंद भगवान की जय हो। सब भक्त बड़े प्रेम भाव से नाचते गाते रहे और माता भक्ति के जयकारे लगाते रहे। माता भक्ति भी सब पर बड़ी प्रसन्न हुई और सबको वरदान दिया, आपके हृदय में सदा निवास में करूंगी। जो प्रेम में रंग जाता है, जो भाव से भगवान को भजता है, भक्ति उसके हृदय में निवास करती है। बोलो ना, भक्ति महारानी की जय हो। अब तो श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से बोले, किस प्रकार से माता भक्ति का सुंदर आख्यान संपूर्ण होता है और शौनकादि ऋषियों गृहस्थी के अंदर रहकर कैसे भक्ति करनी चाहिए, ये इस कथा से पता लगेगा। क्योंकि गृहस्थी एक ऐसी चीज है जिसमें रहकर भजन करना बहुत मुश्किल बात है। घर परिवार के काम, बच्चे, जिम्मेदारियां, कितना कुछ बोझ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान का नाम जो लेते हैं वो भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं। बोलो ना, गोविंद भगवान की जय। और श्री सूत जी महाराज बोले, दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा सुंदर नगर जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। ये तो खूब धर्म कर्म करते हैं, दान करते हैं, लेकिन कलयुगी लोगों की क्या ही बात सुनाई। ये कलयुगी लोग है ना, दान करने के नाम पे तो मानो इनका सब कुछ लूट गया। नहीं नहीं नहीं, हमारी रिश्तेदारी में अभी कोई चल बसा है, हम दान नहीं करेंगे। अभी फसल नहीं निकली है, अभी तनख्वाह नहीं मिली है। पहले तो जब कोई किसी के यहाँ काम करता था ना, तो उसको कहते थे नौकरी, एक कमाए और नौ खाए, उसको कहते थे नौकरी। फिर उसके बाद आ गई चाकरी, एक कमाए और चार खाए, इतना ही काम चलने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बदला, उसके बाद हो गया तनखा, कि सिर्फ तन ही खा सकता है, तन का ही भरण पोषण हो सकता है। लेकिन अब तो मिलने लगा वेतन, अब तो तनखा भी काम नहीं चलेगा, अब वेतन मिलता है। लेकिन विचार करना, जो इतने थोड़े में से भी थोड़ा दान करेगा, उसके जीवन में संपन्नता बढ़ती है। दान करने से धन कभी घटता नहीं है। आप धरती माता को 50 किलो जो बीज देते हो ना, एक एकड़ में 50 किलो अनाज डालते हो, 50-60 मन गेहूं उत्पन्न होती है। माता एक एक दाने को कई गुना बढ़ाकर आपको प्रदान करती है। उसी प्रकार से जब आप दान रूपी बीज बोते चले जाते हो तो फसल इतनी ज्यादा होती है आप समझ नहीं सकते। आपके द्वारा दान किया गया एक एक पैसा भी करोड़ गुना बढ़ जाता है। और अभी तो दान की लिस्ट आनी शुरू ही नहीं हुई है। कल कितनों ने दान किया सरपंच साहब जी? एक परिभाषा कहते नील बटे सन्नाटा, जे कुछ ना दान करे। अकेले कथा सुनने सुनने तो आ जाते हैं, लेकिन इतना विचार करो कि कुछ ना कुछ, चाहे हमारी सामर्थ्य 10 रुपए की हो, बोझ नहीं है माता जी किसी के ऊपर। ये मत सोचना कि महाराज जी तो बार बार टोक देते हैं कि दान करो दान करो दान करो, लेकिन ये पवित्र धरती दान करने की ही है। जिन्होंने दान किया है उन्होंने इंद्र के पद को भी प्राप्त किया। दान के कारण फसल बढ़ती है, दान करने से संपत्ति बढ़ती है, दान करने से घर में प्रेम बढ़ता है। और गौ माता के लिए तो जितना दान करो उतना कम है। और रोटी के लिए हमने कहा था, एक एक रोटी और थोड़ा थोड़ा गुड़ सब लाया करो। लाए हो? लाते हो ना? कौन कौन लाता, हाथ उठा के बताओ सब। इसमें भी संख्या कम है, पीछे वाले नए दिखते हैं। जितने भी भक्त जन आते कोई खाली हाथ नहीं आएगा। एक रोटी और एक रुपया रोज दान करने का नियम बनाओ। जो नियम से दान करता है
उसके ऊपर गौ माता की कृपा बरसती है। एक रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है माताओं, क्या है बहुत बड़ी बात, जब पेंशन मिलती है ना, जब ये छोटे छोटे पोते आके गोद में बैठ जाते, दादी पैसे, 10 रुपए के बिना तो ये भी नहीं मानते, और आजकल तो बड़े चालाक हो गए, 100 रुपए बिना नहीं मानते, और यूं और कहेंगे दादी चाउमीन अब 60 रुपए की आती है 10 की नहीं आती, जे पीछे पड़े रहते। छोटा बच्चा भी 10 रुपए में नहीं मानता माताओं, 10 कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और 1 रुपया तो कुछ है ही नहीं। नियम से 1 रुपया रोज दान करना शुरू करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कौन कौन करेगा रोज 1 रुपया, कर दोगे? और बाकी 1 रुपया सब कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और पिछली साल का जितना बकाया रह गया 365 रुपए, वो तो सबके सब दान लिखवाओ, एक बार तो 365 वालों के लिस्ट चालू हो जाए। साल में 365 दिन है, क्या 365 रुपए हम दान नहीं कर सकते? जब खांसी जुखाम बुखार हो जाता है तब डॉक्टर के पास चले जाएंगे, 500 रुपए की दवाई दे देता है डॉक्टर, 1 मिनट नहीं लगती उसको, और झट से निकाल के पकड़ा देंगे 500 का नोट, ले ओ डॉक्टर साहब जी, और 10 बार राम राम करेंगे वो अलग से। ये गौ माता कहीं बाहर से नहीं आई है, ये गौ माता वही है जिन्होंने हम जैसे लोगों ने अपने घर से निकालकर बाहर कर दिया है। गाय घर से बाहर हो गई, भैंस घर के अंदर आ गई, भैंस को खुला छोड़ते हो गली में? गैया तो गली में फिरती रहती, किसी की भैंस देखी है? भैंस तो छोड़ो, भैंस का कट्टा तक गली में ना छोड़े, कटड़ा भी इधर उधर बाबा करता फिरे जाएगा, उसको भी नहीं छोड़ते क्यों? इसके भी बड़े पैसे मिलेंगे, पैसे के चक्कर में। माना भैंस थोड़ा सा दूध ज्यादा दे देगी, भैंस घी थोड़ा ज्यादा दे देगी, लेकिन गौ माता के घी और दूध की बराबरी जिंदगी में नहीं कर सकती। और जो गौ माता को मानते थे ना, उन्होंने थोड़ी थोड़ी ताली बजा दी, पीछे वाले भैंस को माता मानते हैं क्या? बोलिए गौ माते की। एक बार एक भैंसिया आ गई किसी की हमारे पास, सो कहने लगी महाराज जी, हर बार भैंस हर बार गाय का प्रचार करते हो, गौ माता गौ माता गौ माता, हमने कौन सा पाप कर दिया, हम भी तो दूध पिलाते हैं, हमारे नाम की मौसी की ही जय बुलवा दो, भैंस मौसी की जय। लेकिन भैंस बराबरी नहीं कर सकती, जो बच्चा भैंस का दूध पीता मिलेगा एक उसको देखना, और एक जो गाय का दूध पीता मिलेगा एक उसको देखना, भैंस का दूध पीने वाले की मुड़िया यूं पड़ी रहती सारा दिन, और खूब सोएगा सारा दिन सोएगा, लेकिन जो गौ माता का दूध पीते हैं वो बच्चा चंचल चपल मिलता है, शरीर में फुर्ती होती है, उसका दिमाग भी तेज चलता है। बोलो ना भाव से गौ माता की जय। और गौ माता की एक और खासियत है, कितना ही भैंस का दूध पियो, भैंस के दूध से चर्बी बढ़ती है, लेकिन गौ माता के दूध में स्वर्ण पाया जाता है, सोना होता है गौ माता के दूध में। गौ माता एकमात्र संसार में ऐसी है, मनुष्य के अलावा गौ माता के शरीर में ही सूर्य केतु नाड़ी पाई जाती है, सूर्य नाड़ी जिसको कहते हैं, मनुष्य में इसे कहा जाता पिंगला, और गौ माता के शरीर में यह सूर्य केतु नाड़ी होती है जो शरीर के अंदर स्वर्ण यानी सोना बनाने का काम करती है। आप देखना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, भैंस का दूध सफेद होता है और गौ माता का दूध कैसा होता, जोर से बोलो जरा, पीला होता है, वो सोने के कारण पीला होता माता। हमारी गौ माता की इतनी महिमा है, कैंसर जैसी बीमारी भी गौ माता का दूध पीने लग जाओ, गौ माता का मूत्र पीने लग जाओ, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी ठीक हो जाती है। जिसे चमड़ी के रोग हो ना,
जिसकी चमड़ी में दिक्कत रहती हो, जिसको एलर्जी बनती हो, नहाने के पानी में जरा सा गौमूत्र डाल के नहाया करो, चमड़ी की बीमारियां भी ठीक होने लग जाएंगी। और तो और यदि बीमार रहते हो, बीमारी ठीक नहीं होती, तो अपने वजन के बराबर गेहूं या अन्य कोई अनाज गौशाला में दान कर दो, जल्दी से जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी। बोलो ना गौ माता की जय हो। इस बराबर अन्नदान करने को कहते हैं तुलादान। तो ज्यादा से ज्यादा एक तो तुलादान भी लिखवाओ, और ये नहीं है कि जो बीमार है बस वही लिखवाए, जो जो ये चाहता है कि हमारे बच्चे ठीक रहें, हम ठीक रहें, परिवार के सब लोग स्वस्थ रहें, वो सवामणि भी लिखवाओ और तुलादान भी लिखवाओ। बच्चों को साथ लाते हो, लेकिन अगर ये चाहते हो कि हमारे ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे बच्चे नशे से दूर रहें, बढ़िया कर्म करें, खूब पढ़े लिखें, खूब बढ़िया नौकरी मिले, खूब बढ़िया व्यापार करें, तो इनके वजन के बराबर अनाज दान करो गौशाला में, हर साल दान किया करो। जब हमारे गोविंद भगवान प्रकट हुए ना, उस समय नंद बाबा ने 2 लाख गैया दान की थी, जन्म के ऊपर 2 लाख गैया। साधारण बात नहीं, सीधी सादी गौ माता नहीं, कामधेनु के समान दूध देने वाली, जिनके सींगों पर सोना मढ़ा गया हो और खुर पर चांदी मढ़ दी गई हो, और जिनके ऊपर चदरिया डाली गई हो जरी की सुंदर, ऐसी 2 लाख गैया बाबा ने दान की थी। तो जिस जिसके घर में बच्चा जन्म लेता हो वो दान करो, जिसके बच्चों का जन्मदिन हो जन्मदिन पे गौशाला में लाओ, खूब दिल खोल कर दान करना। जितना दिल खोल कर दान करोगे उतना ही दिल खोल कर कृपा बरसेगी और बच्चे खूब उन्नति करेंगे। बोलो गौ माता की जय हो। अब आत्मदेव जी तो खूब दान करते, लेकिन इनकी घरवाली का नाम धुंधली बाई। अब जैसा नाम वैसे गुण, कार्य में भी धुंधली, इतने अवगुण इसमें, दूसरों के घर में जाती चुगली करती निंदा करती, और जब तक किसी के घर में लड़ाई ना करा दे इसका मन ना टिके, इसका हाजमा खराब हो जाए। अब ऐसी और, लेकिन घर में संतान नहीं है, बड़े दुखी हैं आत्मदेव जी। एक दिन विचार किया कि एक गौ माता ले आते हैं और गौ माता का जो बछड़ा होगा उसे ही बेटे की तरह पाल लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि वो गौ माता भी बांझ हो गई। आत्मदेव जी ने पेड़ लगाया कि लोग याद करेंगे कि आत्मदेव जी ने पेड़ लगाया है, जब जब इसके फल खाएंगे तो सब मुझे याद करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य इतना कि उस पेड़ पर कभी फल ही नहीं आए। पाल्यते या मयाधेनु सा वंध्या सर्वथा भवे, यो मया रोपितो वृक्ष, जो जो वृक्ष उन्होंने रोपित किया उस पर कभी फल लगे ही नहीं। आत्मदेव जी इतने चिंता में ग्रस्त, एक दिन अपनी जीवन लीला समाप्त करने चल पड़े आत्महत्या के लिए। और आत्महत्या संसार का सबसे बड़ा पाप है। जिन भगवान ने जन्म दिया है उन भगवान ने भजन करने के लिए भेजा है, अपनी जिंदगी समाप्त करने के लिए नहीं। आत्मदेव जी जो ही नदी में कूदना चाहते थे, एक संत ने पुकारा, क्या करने जा रहे हो, रुक जाओ। आत्मदेव जी रुके, सारी गाथा बताई, महाराज मैं बड़ा दुखी। संत कहने लगे, क्या चिंता करते हो, अरे अच्छा है संतान नहीं है, ना कोई झंझट ना कोई बात ना कोई चिंता बाजी, भजन करो। लेकिन आत्मदेव जी बोले, महाराज मुझे संतान चाहिए, और मैंने सुना है संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, मैंने सुना है संत तो बड़ी कृपा करते हैं, इसलिए मेरे ऊपर भी कृपा कर दो। बड़ा रोने लगा संत के चरणों में गिरकर, संत तो होते ही हैं दया के भंडार। अपने झोले में से निकालकर एक फल आत्मदेव जी के हाथ में रख दिया और बोले, इदम भक्षे पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, इसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान प्राप्ति होगी।
आत्मदेव जी घर आए, घरवाली को फल दे दिया और बोले देवी संत का प्रसाद है खा ले। बोली ठीक है महाराज ठीक है खा लूंगी कोई बात नहीं। अब ये धुंधली बाई बुरे काम करने में नहीं सोचती है, लेकिन अच्छा काम करने में सोचती है कि खाऊं कि ना खाऊं। अब मैंने सुना है कि जो गर्भवती औरत है उसे तो बड़ा कष्ट सहना पड़ता है, मेरा तो आना जाना सब छूट जाएगा, दूसरों के घर में जाती चुगली करती सब बंद हो जाएगा। और मैंने ये भी सुना है 9 महीने तक कष्ट, उसके बाद 3-4 साल तक उस बच्चे का मलमूत्र साफ करो, उसका ध्यान रखो, पालो पोसो, बड़ा करो। कौन इतो छाती कुटो करे, कौन इतनी परेशानी सहे। और मैंने ये भी सुना है कि गर्भवती औरत भाग नहीं सकती, मानो अगर घर में आग लग गई सबके सब बच जाएंगे, लेकिन मैं भाग नहीं पाऊंगी जलकर मर गई तो। हम सोचने वाले न जाने क्या क्या सोचते। इसकी बहन आ गई साथ में छोटे छोटे बच्चे 4-5, और कहने लगी कि बहन क्या बात, क्यों चिंता कर रही हो, क्यों उदास बैठी हो। सो इसने सारी बात बताई कि मेरे पतिदेव फल लाए हैं और बोले इसे खाने से पुत्र होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई संतान हो, अब इतना इतनी परेशानी मैं नहीं झेल सकती। इसकी बहन बोली चिंता मत करो, मेरे यहाँ 1 महीने का उदर है, तुम मेरा बालक ले लेना और मेरे घर वाले को थोड़ा सा रोकड़ रुपया दे देना बस। अब ये कहने लगी पता लग गया तो, बोले नहीं पता लगेगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चल कर रहो और जब बालक उत्पन्न होने का समय आएगा तब संदेशा भिजवा देना। सो इसने भी ऐसा ही किया, घर वाले से बोली कि अब मुझसे काम नहीं होता, मैं मेरी बहन के घर जा रही हूं। और जाते जाते वो फल गऊ माता को डाल गई, लेकिन संत का वचन है उस फल के प्रभाव से गौ माता को भी उधर रहा। अब तो कुछ समय बीतने के बाद जब निर्धारित समय आया तो धुंधली ने संदेश भिजवाया अपने पति के पास कि महाराज अपने को पुत्र की प्राप्ति हुई है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब तो जो दान करना शुरू किया आत्मदेव जी ने, संतों को महात्माओं को ब्राह्मणों को दान करते, खूब भंडारे लगाते, घर में धन संपत्ति की कमी नहीं, और जो दान करता है उसकी कमी होती भी नहीं और खुशी भी दुगनी हो गई जब घर आए तो उनकी गौ माता को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, बछड़े की नहीं पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके कान गहू के हैं लेकिन शरीर मनुष्य का है। आत्मदेव जी तो इतने प्रसन्न हो गए, अब तक तो घर में एक भी बालक नहीं था, अब दो दो हो गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। धुंधली बाई बालक को लेकर आ गई और अब तो नामकरण संस्कार की तैयारी होने लगी। बोलो ना गोविंद भगवान की जय। नामकरण किया, गौ माता के बालक को गोद में लेकर आत्मदेव जी बोले जिसके कान गौ के हो उसका नाम होगा श्री गोकर्ण जी महाराज। नामकरण का तो हो गया। धुंधली बाई के बेटे को गोद में लेकर बोले इनका नाम होगा, इतने में धुंधली बोली रुको रुको रुको, मेरा बेटा है मैं नाम रखूंगी। अब जैसी ये खुद है अब ऐसे ही नाम सुझाएगी, आजकल नाम रख देते चिंटू, टोनी, स्वीटी। अब सोच के देखो वो स्वीटी आज तो छोटी सी ठुमकती बच्ची बड़ी सुंदर लगती, लेकिन ये स्वीटी एक दिन बूढ़ी भी हो जाएगी, पोपली बुड्ढी, दांत नहीं होंगे मुंह में, और सारे के सारे बच्चे जब इसको कहेंगे स्वीटी दादी बढ़िया लगेगी। तब नाम ऐसे रखो जो बढ़िया लगे, सुंदर लगे, जिनसे भगवान का नाम लिया जा सके। अब ये कहने लगी मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। अब जैसी खुद वैसा बेटा बना दिया, बड़े हो रहे धीरे धीरे, बड़ा अधर्मी, छोटे छोटे बालकों को मारता, परेशान करता। और एक दिन तो चिंताग्रस्त आत्मदेव जी अपने बेटे गोकर्ण जी से बोले क्या किया जाए, ये बड़ा उत्पाती है। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे
पिताजी अब तो आपका वन शुरू हो गया है। 50 की उम्र जिसकी हो जाए ना, उसके बाद वन शुरू हो जाता है। 51-52 होता ना वन शुरू, तो वन में चले जाओ। लेकिन कौन से वन में? वृंदावन चले जाओ। कार कौन चाहता वृंदावन चले? 5-5.5 कुछ एक तो यूं करेंगे जैसे मानो शर्मा रहे। जाना चाहते तो पूरे पूरे हाथ खड़े करो ना, बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। आइए मानसिक भाव से गौ माता की कृपा से वृंदावन की ओर करें। वृंदावन